हेलो दोस्तों, तो आज का मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, द क्या वाइट इज लगता है कौन सी ओवर टीम विन करेगी आज, हमें बताइए जरूर। वेंट पेर जी यहाँ पर तैयार है लेगते हुए पहली बॉल यहाँ पर साउथ की तरफ से। क्या लगता है पहली बॉल पर, ये अच्छी बॉल जरूर है। यहाँ पर फील्डर मौजूद, वहाँ पर गैप में शॉट नहीं है, आसानी से डॉट के साथ की है शुरुआत पहले ओवर की। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब सुपर ओवर देखने के लिए मिल सकता है हमें। हमें कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, और ये अच्छा शॉट जरूर है, फिल्डर मौजूद वहाँ पर गैप में शॉट है, लेकिन वहाँ पर पकड़ेंगे, फुल स्पीड से भाग रहे हैं तो आसानी से पकड़ लेंगे। बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हमें आज न्यूजीलैंड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, क्या सुपर ओवर को न्यूजीलैंड या पेडली क्लासियंस क्या कुछ कर पाएंगे आज, या न्यूजीलैंड जीतेगी, नेदरलैंड जीतेगी ये सुपर ओवर देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड कप का बहुत सारा मुकाबला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इंडिया जीती थी कल। हाँ जी हाँ दोस्तों, और ये अच्छा शॉट जरूर है, गैप में शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद वहाँ पर, ऐसे से एक और रन मिलता हुआ यहाँ पर नीदरलैंड को, और ये सुपर ओवर थी। जी हाँ दोस्तों, 5 रन जोड़ दिए थे। ये होती खराब फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही खराब फील्डिंग थी। क्लासेंस यहाँ पर फोकट के मिलते हुए 5 रन, बढ़िया बल्लेबाजी। और ये युवा कर जरूर फाइंड आउट लेकिन ये बल्ले पे लगी बिग अपील जरूर लगी। न्यूजीलैंड हैव मेड देयर जॉब अ लॉट इजी विद दैट विकेट द डेंजर मैन गॉन। साउथ की बड़ी बॉल यहां पर ये से नहीं लेंगे, ये पूरा 100% का भरोसा है। क्लासेंस यहां पर जाते हुए उनकी तरह अपने बल्लेबाज आएंगे, वॉरेन एलियन जी आने तो वॉरेन बेलियन आएंगे, और ये खेलेंगे साउथ की 5वीं बॉल, लेकिन ये होगी उसकी पहली बॉल। और ये पहली बॉल जरूर लेकिन गैप में शॉट है, फील्डर मौजूद वहाँ पर और पकड़ लिया, बहुत मुश्किल था लेकिन पकड़ लिया 7 रन आते हुए 5 बॉल पर। और देखने वाली बात है क्या एक बॉल पर कितने रन ले पाएंगे। लास्ट बॉल है इस पर तो बड़ा शोर की तलाश करनी चाहिए, और अपने कोई फील्डर मौजूद नहीं, स्क्वायर के ऊपर से मार दो, लेकिन ये गलत शॉट खेला गया, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, आसानी से मिलेगा एक और रन 9 रन के साथ। आसानी से बनानी पड़ेगी न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड क्या नेदरलैंड से जीत पाएगी। कौन आएंगे? जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद विलियमसन, एक अच्छे कप्तान है, बहुत लाजवाब है, 6 बॉल पर 9 रन की जरूरत। यहाँ पर बॉल फेलन को करेंगे निक्रीन, और ये अच्छी बॉल जरूर हो, थोड़ी देर जाने लगी लाजवाब बॉल यहाँ पर देखने के लिए मिले ना मेहरिन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मेहरिन अच्छी बॉल की मुक्रीन में लाजवाब यहाँ पर हम भी देखेंगे। और ये अगली बहुत जोर करके तलाश है यहाँ पर, गैप में शॉट है, और ये बहुत ही अच्छा शॉट है, और ये चौका निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी फील्डर को मौका नहीं मिला, एक और चौका, लाजवाब बल्लेबाजी देखने के लिए मिलती है आज हमें न्यूजीलैंड तरफ। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बॉल पर ऐसा चौका मार दिया यहाँ पर, और 4 बॉल पर 5 रन की दरकार यहाँ पर क्या लगता है। और ये अगली बॉल, और ये बल्ले से निकली जैसे ही ये फील्डर मौजूद है, इसी के साथ मैच टाई होता हुआ मैच यहाँ पर 3 बॉल पर मैच टाई कर दिया। ये फिर से सुपर ओवर होगा या यहाँ पर न्यूजीलैंड जीत जाएगी। तो ये लाजवाब बॉल थी, ये बिल्कुल स्टंप बाल बाल बचे यहाँ पर, ब्यूटीफुल। क्या लगता है सुपर ओवर फिर से होगा? जी हाँ दोस्त, कमेंट में जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज देखने वाली बैटिंग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले अगली बॉल बल्ले से निकली जरूर है, और इसी के साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड की विन करती हुई। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय दोस्तों।